हाय बच्चों हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गर्मा गोयल बायोलॉजी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द एग्जाम डिटेल्स एंड नीट प्रिपरेशन तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है गर्मा गोयल 007 अंडरस्कोर जी स्क्वायर जिसमें आपको सारे फॉर्म्स के और नीट रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा तो आज इस सेशन में आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक और बेहतरीन एग्जाम की इंफॉर्मेशन देने वाली हूं जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है और उसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं ही भी है और बहुत सारे बच्चे यहां से लाखों करोड़ों के पैकेजेस लेके निकलते हैं हर साल तो आखिर कौन सा एग्जाम है इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेगी इस वीडियो में बट उससे पहले डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो ठीक है चलिए अब आते हैं आज का जो वीडियो है वो है आइजर पे आइजर विच स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इसके अंदर आइजर बहरमपुर आता है आइजर भोपाल आता है आइजर कोलकाता आता है आइजर मोहाली आता है आइजर पुणे आता है आइजर तिरुवंथमपुरम आता है आइजर तिरुपति आता है तो ये सारे आइजर है जिसका एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे

टैलेंटेडिशल लेना है तो उसके लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम है आई ए टी आईजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो की एक तरह का सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यह ऑफलाइन टेस्ट नहीं है बल्कि ऑनलाइन टेस्ट है तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है

कैंडिडेट्स मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट आपके पास तीन सब्जेक्ट होने ही चाहिए बायोलॉजी केमेस्ट्री मैथ्स फिजिक्स तो यानी कि अगर आप पीसीबी कॉम्बिनेशन के तब भी एलिजिबल है अगर आप पीसीएम कॉम्बिनेशन के तब भी आप एलिजिबल है तो ये एग्जाम जेई वाले बच्चे भी दे सकते हैं और नीट वाले बच्चे भी दे सकते हैं या आपके पास पीसीबी हो या पीसीएम हो आप दोनों एलिजिबल है ठीक है बच्चों To other must have 55 जनरल कैटेगरी मस्ट है क्लास इसका एलिजिबिलिटी, ठीक है अब आते नोट पे द स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन फ्रॉम कश्मीर डिविजन विंटर जोन एरियाज ऑफ जम्मू

NEET वाला बच्चा कहता है मैम मैंने तो मैथ पढ़ी भी नहीं है मैं तो देख के भाग जाता हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं अपियर फॉर दिस एग्जाम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइजर के IIT एग्जाम के लिए ठीक है तो आपके रास्ते और खुलते हुए बच्चों यहां पे अब एग्जामिनेशन कैसा होता इसका exam? Aptitude test will be conducted है इसका एग्जाम आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड as सीबीटी ठीक है

अगर गलत करोगे तो माइनस वन होंगे। अन-एंसर्ड क्वेश्चन को जीरो मार्क्स दिया जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स IAT में 240 स्कोर हो सकते हैं। The total marks obtained by a candidate out of 240 will be considered for preparing the rank list। Yes, ठीक है? अब आ जाओ। As there are four sections, अब ये वाला जो मुझे लगता है स्लाइड है वो सब बच्चे सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। स्टूडेंट्स कैन अटेंड ओनली थ्री सेक्शन आप कहेंगे ये हुई ना असली बात। यहां पे मान लीजिए कि अगर आप हैं, तो आप यहाँ पे मैथ्स को छोड़ सकते हैं अगर आप जे एस्पिरेंट है तो आप यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं क्या शानदार बात है ठीक है लीव द फोर्थ सेक्शन ठीक है, बट वी एडवाइज स्टूडेंट टू अटेंड ऑल फोर सब्जेक्ट फॉर द ऑफिशियल बट फिर भी कुछ क्वेश्चन आते तो आप कर सकते हैं ठीक है बच्चों अब आते हैं बी एस एम एस प्रोग्राम नंबर ऑफ सीट्स कितनी है टोटल 1818 सीट है जिसके लिए आप लड़ेंगे इस पे नंबर ऑफ सीट्स ठीक है इंजीनियरिंग स्टूडेंट इकोनॉमिक दो अलग कोर्सिस बी एस डिग्री ओनलीम स्टूडेंट एडमिटेड टू द आईजर कैन परस्यू बी एस बी एस एम एस प्रोग्राम आइजर ने इंजीनियरिंग साइंसिस और इकोनॉमिक साइंसिस तो तीन जगह है जहां पे आप ये डिग्री आपको मिलेगी ठीक है इम्पॉर्टेंट डेट्स एप्लीकेशन पोर्टल एक अप्रैल को खुला है आज का वो दिन है एप्लीकेशन पोर्टल खत्म हो जाएगा मे थर्टीन को करेक्शन और रिलीज ऑफ हॉल टिक्ड जून वन को होगा ठीक है तो सब कुछ नीट के एग्जाम से पहले ही हो जाएगा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जून नाइन को होगा अपलोड ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स फॉर्म पोर्टल ओपन फिलिंग ऑब्जेक्शन बारह जून को पोर्टल क्लोज हो जाएगा 14 को डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की 21 को होगा रिजल्ट पब्लिकेशन 25 को होगा रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग आपकी ये डेट्स ठीक है बच्चों और मैं आपको बता दू इसमें आपकी मैम का भी एडमिशन हो चुका है आइजर मोहाली में मैं भी यहाँ पे गई थी बेटा आई क्लियर द एग्जाम उसके बाद खैर मेरा तो इंटरव्यू भी था बट फिर मैंने बी एच यू चूज कर लिया क्या शानदार कॉलेजेस है यार अब वहां जाके आपको लगेगा कि भाई पढ़ाई तो ऐसी जगह पे हो रही है बहुत शानदार

ये भी आपको मिल सकता है बट उसके लिए आपको स्टेप टू करना होगा पूरा फिर आते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरियन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अब ये क्या है भाई आ जाओ भाई समझाते तो मैं ये भी कैंडिडेट्स हुज क्लास 12th एग्जामिनेशन रिजल्ट्स हैव नॉट येट बीन डिक्लेयर्ड कैन अप्लाई फॉर आईआईटी 2024 जो अभी अपीयरिंग है क्लास 12 में वो 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं

रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, एस सी कैटेगरी के लिए फिफ्टीन परसेंट एस टी के लिए टेन परसेंट है, है, है. बाकी जो बच्चे को वो वाले ले सकते हैं ठीक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस कितनी है यहाँ पे देखते हैं दो हजार फॉर जनरल थाउजेंड है कश्मीरी माइग्रेंट एसियन एस टी नॉन रिफंडेबल फीस डॉक्यूमेंट रिकॉक्यूमेंट चाहिए मार्क्सिट डिक्लेरेशन बाई द कैंडिडेट इन लू ऑफ एलिजिबिलिटी एग्जाम सर्टिफिकेट मार्क्शीट ठीक है कैंडिडेट बिलोंग टू दिस एंड दिस शुड अपलोड फ्रेश सर्टिफिकेट तो अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको जो वैलिडिटी ऊपर लिखी होती है उसके हिसाब से अपलोड करना है अपने सर्टिफिकेट को ये जरूरी है ठीक है है बच्चों अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस प्रोसेस ये पूरा प्रोसेस है, पहले एग्जाम देखिए सीट अवेलेबिलिटी कितनी है काउंसलिंग होगी फिर आपका स्कोर देखा जाएगा फिर आपको कॉल आएगा इस हिसाब से चलेगा ठीक है बाकी पूरा प्रोस्पेक्टिस आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉर फर्दर एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड चैनल आपका है कमेंट कर दो फिर वीडियो बना देंगे ठीक है यस yes. बट तब तक करते रहेंगे जब तक आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो इस साल ठान लिया है गर्मा मैम ने कि तुम्हारा एडमिशन तो मैं करा के ही मानूंगी एक ऐसे कॉलेज में जो तुम्हारे माँ बाप का सर ऊंचा करेगा ठीक है बच्चों तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल